हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैटरी पैक के सिलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बैटरी पैक का सिलेक्शन करते हैं, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ, यानी कि हमारे सेल की चार्जिंग लाइफ, और दूसरा बैटरी पैक से मिलने वाला हमको मैक्सिमम ट्रेवल रेंज। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम लोग बैटरी पैक के सिलेक्शन के समय मिस आउट कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन कुछ फैक्टर्स की और उन कुछ पैरामीटर्स की जो कि हमारे बैटरी पैक की लाइफ और उसकी इफिशेंसी के लिए, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग इन पैरामीटर्स को दिमाग में रखते हैं बैटरी पैक के सिलेक्शन के टाइम पर, तो हमारे बैटरी पैक से हम लोग मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम ट्रेवल रेंज पा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे बैटरी पैक के सिलेक्शन के लिए लोगों को सही मेथड्स को यूज करना चाहिए। अभी हाल के दिनों में मेरे को कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसमें कि उन इन्फॉर्मेशन की डिमांड की गई थी जो कि मेरे वीडियो में प्रेजेंट थी और अवेलेबल थी। इसलिए मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें और कोई भी चीज मिस आउट ना करें, क्योंकि हो सकता है ये जो चीज है आप लोग मिस आउट कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए जरूरी हो और हेल्पफुल हो। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ और उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें से मेजर एक जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक की लाइफ को और उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ और उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। अगर मैं एक आइडल टेम्परेचर रेंज की बात करूँ हमारी बैटरी पैक के ऑपरेशन के लिए, तो वो होती है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर जितनी भी टेम्परेचर रेंज होगी वो हमारे बैटरी पैक के लिए हार्मफुल है। मैं ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी पैक पर टेम्परेचर के होने वाले इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा बैटरी पैक कैलकुलेशन के लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितनी भी ट्रेवल रेंज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप बैटरी पैक की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे बैटरी पैक पर आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा, जिसमें कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारे सेल की चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी, और इस कैपेसिटी को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक लिथियम आयन सेल है जिसका कि नॉमिनल वोल्ट है 3.7 वोल्ट और जिसकी कि करंट रेटिंग है 2000 mAh, यानी कि मिली एम्पियर आवर। अब अगर मैं एम्पियर आवर की बात करूँ तो यह हो जाता है 2 एम्पियर आवर। अब मान लीजिए मेरा जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि मेरा जो लिथियम आयन सेल है उसकी चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी 1C की है, यानी कि दोस्तों 1C से मेरा मतलब हो गया कि जो सेल की मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है जो कि 2H है, वो ही उसकी चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी है। और ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊँ तो, यानी कि मैं डिस्चार्ज के टाइम पर इस सेल से मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट ही विड्रॉ कर सकता हूँ। अगेन, चार्जिंग के टाइम पे भी मैं मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट ही दे सकता हूँ, यानी कि ये जो चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी हमारा मैन्युफैक्चरर देता है वो मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है। अगेन, फिर से एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल है जिसका कि नॉमिनल वोल्टेज है 3.2 वोल्ट और जिसके की करंट कैपेसिटी है 6000 mAh, यानी कि 6 एम्पियर आवर। अब अगर मेरा मैन्युफैक्चरर बोलता है लिथियम आयन सेल का कि इस सेल की जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 3C है, तो मतलब दोस्तों डिस्चार्ज कैपेसिटी से हो गया 3C से मतलब, यानी कि 6H × 3, यानी कि मैं इस सेल को 18 AH के रेट से डिस्चार्ज कर सकता हूँ। और अगर चार्ज कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर बोलता है 1C की है, तो यानी कि मैं इस सेल को 6 × 1, यानी कि 6 एम्पियर के रेट से इसको चार्ज कर सकता हूँ। पर दोस्तों, यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी है, ना कि नॉमिनल, और यही चीज़ हम लोगों को अब अंडरस्टैंड करना है। और अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैटरी पैक के सिलेक्शन के समय में कैसे हम लोग अनजाने में एक बड़ी गलती कर देते हैं जिससे कि हमारे बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो कि एक बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर का है, हालांकि प्योरली बोलूँ तो एक बैटरी पैक असेंबल करने वाले बंदे का है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपसे कुछ टेक्निकल डिटेल शेयर की जा रही है,
जैसे कि बंदे ने शेयर किया वोल्टेज आपका बैटरी पे का 72 वोल्ट है, कैपेसिटी 30 Ah है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर, वेट, लाइफ साइकिल, यहाँ पर लाइफ साइकिल देखिए, यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है 2500 प्लस, यानी कि ये जो बैटरी पैक है ये आपको 2500 प्लस चार्जिंग लाइफ दे देगा। डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज, चार्ज वोल्टेज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर मैं फास्ट चार्ज रेट की बात करूँ तो ये क्लेम किया जा रहा है कि इस बैटरी पैक को 20 एम्पियर के रेट से चार्ज किया जा सकता है और फास्ट चार्ज आप इस बैटरी पैक को 1.5 आवर्स में कर सकते हैं। अब दोस्तों अब इस सेल की बात कर लेते हैं जो कि इस बैटरी पैक में यूज हुआ है। इसकी की नॉर्मल कैपेसिटी है 6000 mAh, यानी कि लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल है। नॉमिनल वोल्टेज है 3.2 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनर्जी डेंसिटी ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाली बात यह है कि ध्यान देने वाली कि मैक्सिमम चार्ज करंट जो आपको बताया जा रहा है वो 1C का है, यानी कि आप एक सेल को 6000 mAh के हिसाब से ही चार्ज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट जो बताया गया है वो 3C का है, यानी कि आप 18000 mAh के हिसाब से इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगेन ये मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज करंट की रेटिंग है, यानी कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर के क्लेम को मानूं तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं और आप ये मान के ले लेंगे कि यार इन सब कंडीशन के बाद भी मेरे को आपके इस बैटरी पैक में 2500 प्लस की चार्जिंग लाइफ मिल जाएगी। पर दोस्तों ये सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, रियल लाइफ में एक्चुअल भी बिल्कुल नहीं होता है और ये आपको मिसगाइड करते हैं और मिसलीड करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट यानी कि दूसरा पहलू बताता हूँ इसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एक्चुअल रियलिटी का। अब दोस्तों मैं एक बड़े मैन्युफैक्चरर का आपको बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ। अब जो बैटरी पैक का स्पेसिफिकेशन है वो इस मैन्युफैक्चरर के हिसाब से है कि नॉमिनल वोल्टेज बैटरी पैक का है वो है 12.8 वोल्ट। नॉमिनल कैपेसिटी जो करंट कैपेसिटी है वो 16 Ah की है बैटरी पैक की। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो बैटरी पैक है लिथियम फेरस फॉस्फेट का बैटरी पैक है। अब बाकी सारी चीज़ें सही है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी इस स्लाइड में आपसे हाइड कर रहा हूँ जो कि मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। अब ये मैन्युफैक्चरर बोलता है कि चार्ज करंट जो है वो 10 एम्पियर का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम चार्ज करंट वो है 40 एम्पियर का है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज करंट जो है 42 एम्पियर का है, यानी कि दोस्तों जो आपका चार्ज करंट है मैक्सिमम आपके जो नॉमिनल कैपेसिटी है उसका 2.5 टाइम्स के आसपास जा रहा है, ऐसे डिस्चार्ज करंट जो है वो आपका 2.5 टाइम्स से भी ज़्यादा जा रहा है। पर ये दोस्तों मैक्सिमम है, मैक्सिमम कंटिन्यूस करंट 42 एम्पियर आप दे सकते हैं। मैक्सिमम पल्स करंट, दोस्तों यहाँ पर जो है पल्स करंट आप लोगों को ये समझना है कि खाली 3 सेकंड के लिए अलाउेबल है। अगर उससे ज़्यादा करंट जाता है पल्स करंट डिस्चार्ज के टाइम पे तो आपकी बैटरी पैक के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा, पर 3 सेकंड तक के लिए आप 10 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर सकते हो। और ये उसी कंडीशन में होता है जब आप गाड़ी को इनिशियली स्टार्ट करते हो तब आपका इनिशियली टॉर्क ज़्यादा होता है, इसलिए करंट भी ज़्यादा विड्रॉ होता है बैटरी पैक से। इसके बाद टेम्परेचर की बात की जा रही है, जो बैटरी पैक है वो IP55 है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब ऑब्वियसली आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका 3 टाइम्स यानी कि आप 3 टाइम्स ज़्यादा इस बैटरी पैक को डिस्चार्ज कर सकते हैं और चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा और आपको फास्ट चार्ज मिल जाएगा। पर एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो मैंने आप लोगों से हाइड किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये हिडन पैरामीटर हट गया, यहाँ पर आप साइकिल लाइफ देख रहे हैं। अब ये सप्लायर बोल रहा है कि जो साइकिल लाइफ है ये आपकी 2000 साइकिल्स के आसपास हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कब, जब आप 0.2C का चार्ज डिस्चार्ज मेंटेन करेंगे। यानी कि दोस्तों अब एक्चुअलिटी हमारे सामने आई है। अब मान लीजिए 16 Ah का बैटरी है तो 0.2C का यानी कि 16/5 अगर मैं करूँगा तो मोटा मोटा डाटा आएगा 3 एम्पियर का चार्ज और डिस्चार्ज रेट अगर मैं मेंटेन करता हूँ तो मेरे को 2000 साइकिल्स मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इस 0.2C के ऊपर चला जाता हूँ यानी कि 3 एम्पियर के ऊपर चला जाता हूँ तो मेरी जो चार्जिंग साइकिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी और मेरी बैटरी की इफ़िशेंसी भी उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। यानी कि एक्चुअल चार्जिंग साइकिल अगर मैं 1C पे भी जाता हूँ तो मेरे को शायद 2000 साइकिल ना मिलकर 1000 साइकिल्स मिले और बाई चांस 1C के ऊपर निकल जाता हूँ यानी कि मैं 10 एम्पियर के ऊपर डिस्चार्ज कर लेता हूँ या उसके ऊपर चार्ज कर लेता हूँ तो मेरे को हो सकता है 1000 साइकिल्स भी ना मिले, मेरे को 600 या 800 चार्जिंग साइकिल्स ही मिले। एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि जो लाइफ है बैटरी की वो 70% की कैपेसिटी के ऊपर है, जब इफिशियंसी 70% के नीचे निकल जाएगी तो बैटरी की लाइफ को डेड कंसीडर कर लिया जाएगा। दोस्तों अब ये हो गई फैक्ट एक्चुअल रियलिटी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू और रियलिटी के बारे में बताता हूँ। ऐसी ही एक मैन्युफैक्चरर डाटा शीट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमारे लिथियम टाइटेनेट सेल की, जिसको कि हम लोग अभी तक बेस्ट मानते हैं सभी लिथियम आयन सेल्स में इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग साइकिल और चार्ज डिस्चार्ज रेट। अब यहाँ पर पहले तो इस सेल के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। जो इस टाइटेनेट सेल का स्पेसिफिकेशन है
वो है नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट, और जो इसकी करंट कैपेसिटी है वो 35 एम्पेयर की एम्पेयर आवर। अब बाकी चीज़ें ठीक है, एनर्जी पावर डेंसिटी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब काम की चीज़ हमारे लिए आई मैक्सिमम कंटिन्यूस चार्ज। अब जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो ऐसा क्लेम करता है कि जिसको मैक्सिमम कंटिन्यूस चार्ज हम लोग कर सकते हैं 350 एम्पेयर से, यानी कि दोस्तों कैपेसिटी होगी 35 और हम लोग चार्ज कर सकते हैं 350 एम्पेयर से, यानी कि 10C की इसकी आ रही है चार्ज कैपेसिटी, वो भी कंटिन्यूस। और यहीं पर ऐसे ही डिस्चार्ज कैपेसिटी के लिए क्लेम किया जा रहा है 350 एम्पेयर का, यानी कि अगेन डिस्चार्ज कैपेसिटी भी होगी 10C। अब दोस्तों एक और बड़ा सरप्राइजिंग सा बड़ा सा लुक्रेटिव क्लेम दिखता है कि 10 साइकिल पल्स के लिए जो डिस्चार्ज करंट हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं वो है 700 एम्पेयर का, यानी कि 20C का हम लोग हाई करंट विड्रॉ कर सकते हैं 10 सेकेंड पल्स तक के लिए। दोस्तों देखने में बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है, चार्जिंग साइकिल के लिए मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है 30,000 साइकिल्स, तो बड़ा मजा आ गया कि यार ये सेल बहुत ज़्यादा चलेगा। एक्चुअल में 30,000 साइकिल्स चल जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है। पर दोस्तों अब देखते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को और एक्चुअल सच्चाई को समझते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ मैंने हाइड की थी अब आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर खुद ही क्लेम कर रहा है लाइफ कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर आप देखेंगे वो बोलता है कि साइकिल लाइफ 2C चार्ज 2C डिस्चार्ज 100% DOT डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आपको मिलेंगी 25,000 साइकिल्स के आसपास या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। यानी कि दोस्तों अब पिक्चर चेंज हो चुकी है, अब वो बोलता है कि 2C चार्ज और 2C डिस्चार्ज, यानी कि 17 एम्पेयर के चार्ज और 70 एम्पेयर के डिस्चार्ज, क्योंकि हमारे जो सेल की कैपेसिटी है 35 है, 2C हो गया यानी कि 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 35 × 2 70 एम्पेयर का चार्ज और 70 एम्पेयर का डिस्चार्ज। लेकिन यहाँ पर एक जो बेसिक आपको देखने वाली चीज़ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ गई तो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फास्ट डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, हमारे इंडिया का तो एवरेज टेम्परेचर ही वैसे ही ज़्यादा। अब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब यह सेल 25,000 की साइकिल लाइफ चार्जिंग लाइफ पर आ गया है, तो जब हम लोग को इसको 50, 55 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर देंगे डिस्चार्ज पर, और मान लीजिए 2C के ऊपर चले गए, तो हमको आधी भी चार्जिंग लाइफ निकाल के नहीं देगा, यानी कि 25,000 से चार्जिंग लाइफ सीधे कम होकर आ जाएंगे आपकी 10,000 या 12,000 के बीच में। अब एक और सच्चाई को समझते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बोल रहा है चार्जिंग लाइफ एट 1C चार्ज एंड 1C डिस्चार्ज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर दोस्तों 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज कर दिया है, यानी कि 35 एम्पेयर चार्ज, जो हमारे सेल की कैपेसिटी है 35 एम्पेयर, उसको 35 एम्पेयर से अगर हम लोग चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाया 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तब इनिशियली 3,000 साइकिल या उसके आसपास की साइकिल तक ये सेल 90% की कैपेसिटी को रिटेन कर सकता है। और अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर निकल गया तो 90% की एफिशिएंसी आपकी हो सकता है 2,000 और 2,500 साइकिल्स के बाद ही खत्म हो जाए। हालांकि 90% एफिशिएंसी खत्म होने के बाद भी हमारा सेल अगर 70% की एफिशिएंसी इफेक्टिव भी पकड़ूँ तभी 4,000-5,000 साइकिल और दे देगा। लेकिन जब इनिशियल क्लेम 30,000 साइकिल्स का था वो अब कम होकर कहाँ तक आ चुका है, वो एक्चुअल रियलिटी में कम हो गए 7 या फिर 9,000 साइकिल्स तक आ चुका है। तो दोस्तों एक्चुअल रियलिटी ये है कि हम लोगों को जो चार्ज और डिस्चार्ज बताया जाता है, जो रेटिंग दी जाती है, मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज रेटिंग होती है, पर वो नॉमिनल चार्ज डिस्चार्ज रेटिंग नहीं होती है। और हम लोग हमारा बैटरी पैक का सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि हम लोगों की कॉस्ट कम हो, और हम लोग छोटा बैटरी पैक बना लेते हैं हमारे विड्रॉवल करंट के अगेंस्ट में। अब आगे और आपको समझाता हूँ डिटेल में। अब मान लीजिए मेरे पास 2 किलोवाट की BLDC मोटर है जो कि 72 वोल्ट की है, और इसकी रेटेड करंट जो है वो 30 एम्पेयर है। अब मैं जब बैटरी पैक सिलेक्ट करना है तो मोटा मोटा ये देखूंगा मैं कि यार इसकी चार्जिंग लाइफ जो होगी, बैटरी पैक मान लीजिए लिथियम फेरस फॉस्फेट का है तो इसमें 2,000 साइकिल लाइफ मिल जाएंगी, और ये जो बैटरी पैक है मोटा मोटा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को 40-50 किलोमीटर का ट्रेवल दे देगा। अब मैं इसके लिए बैटरी पैक सिलेक्ट कर लेता हूँ 72 वोल्ट और 30 एच का। कुछ थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं यार चलो ठीक है थोड़ा सा बड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, 40 एच का सिलेक्ट कर लिया, 45 एच का सिलेक्ट कर लिया, 6 एम्पेयर आवर का सेल है तो मैंने 42 एच का बैटरी पैक सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 30 के अगेंस्ट में 42 एच का बैटरी पैक सिलेक्शन मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैंने जो रेटिंग है उसको छोड़ दिया, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि यार 1C की रेटिंग है, तो मैंने सोचा बहुत सही है 42 एच का बैटरी पैक अगेंस्ट 30 एम्पेयर के रेटेड करंट के अगेंस्ट में। पर दोस्तों अब ये हमने बैटरी पैक तो ले लिया, अब हमने इसके लिए चार्जिंग लाइफ भी डिसाइड कर ली और इसके लिए टेवर रेंज भी डिसाइड कर ली, पर एक्चुअल में चार्जिंग लाइफ हमको मिलेगी क्या, अब हम लोग ये देखते हैं। इसी तरह से मैं अपने चार्जर का सिलेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को चार्जिंग में कम टाइम चाहिए तो मैं थोड़ा सा बड़ा फास्ट चार्जर ले लूँगा। मैं मान लीजिए 15 एम्पेयर का चार्जर ले लेता हूँ जो कि मेरे इस 42 एच के बैटरी पैक को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में चार्ज कर देगा। अब मैंने दोनों चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया,
अब मैंने कर लिया चार्जर 15 एम्पेयर का और मैंने सिलेक्ट कर लिया है बैटरी पैक 42 एम्पेयर का अगेन 30 एम्पेयर के डिस्चार्ज के। यानी कि अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो मेरी जो कैपेसिटी हो गई है डिस्चार्ज कैपेसिटी हो गई है मोटा मोटा 0.75 सी के आसपास, और अगर चार्ज कैपेसिटी की बात करूं तो वो हो गई है 0.3 सी के आसपास। अब जब हम लोग छोटा बैटरी पैक डिज़ाइन करते हैं हमारे पैसे बचाने के लिए, तब प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमारी बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम लोग डिसाइड तो कर चुके हैं कि हम लोगों को हमारे बैटरी पैक को जो कि 42 एच का सिलेक्ट किया है उसको 0.75 की कंटिन्यूस डिस्चार्ज पे हमको यूज़ करना है। पर दोस्तों हमारा जो बैटरी पैक का एक्चुअल 1C की कैपेसिटी है वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। अब आपको 1C की कैपेसिटी मैक्सिमम बताई गई है, पर एक्चुअल में होता ही है कि मैन्युफैक्चर को ही पता होता है कि अगर आप कंटिन्यूस करंट विड्रॉ करते हो कंप्लीट साइकिल को अचीव करने के लिए वो इतना नहीं होता है, वो नॉर्मली आपका 0.25 से लेकर 0.5C के आसपास आना चाहिए। लिथियम फेरस फॉस्फेट के केस में जिसमें कि मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि उसका मैक्सिमम डिस्चार्ज आप 3C तक जा सकते हो, वहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है वो 0.5 के आसपास कंसिडर किया जाता है सी का। ऐसे ही अगर चार्जिंग की बात करूँ तो चार्जिंग में क्योंकि हमारे पास मोटर के केस में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता डिस्चार्ज का, क्योंकि मोटर को तो जितना पावर चाहिए उतना विड्रॉ करेगी वो करंट और उतना डिस्चार्ज करेगी। लेकिन चार्जर के केस में क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम छोटा चार्जर सिलेक्ट करके थोड़ा सा कम एम्पियर देंगे यानी कि कम करंट देंगे हमारी बैटरी को, तो हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ेगी। अल्टीमेटली दोस्तों सारी चीज़ इसी पर घूम फिर के आती है कि हम लोगों को जब भी बैटरी पैक सिलेक्ट करना है वो हिसाब से सिलेक्ट करना है कि जो हमारा डिस्चार्ज करंट है वो 0.5C के आसपास आए। जब हम लोग लिथियम फेरस फॉस्फेट जैसे सेल का सिलेक्शन करें थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, और चार्जिंग करंट अगर 0.25 के आसपास होगा तो बेस्ट होगा। आपका चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा पर आपको लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही अगर लिथियम आयन सेल की बात करूँ जो कि 1C कैपेसिटी के, तो यहाँ पर आपको 0.25C से लेकर 0.35 तक ही जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपकी जो क्लेम लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको 1000 क्लेम लाइफ मिल रही है तो एक्चुअल में आपको उतनी नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती हैं फास्ट चार्ज और फास्ट डिस्चार्ज ये ओवरऑल हमारे सेल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप फास्ट डिस्चार्ज करोगे फास्ट चार्ज करोगे तो अंदर सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है जिसके कारण उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इनिशियली परफॉर्मेंस तो आपको ज़्यादा मिलता है चूँकि आपकी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है हायर टेम्परेचर पर। ये जो फास्ट केमिकल रिएक्शन होती हैं ये आपकी चार्जिंग लाइफ को काफ़ी कम कर देती हैं और आपके सेल की इफिशेंसी को काफ़ी जल्दी रिड्यूस कर देती हैं और आपके बैटरी पैक की लाइफ जल्दी ख़राब हो जाती है। और तब आप समझ नहीं पाते हैं क्यों आपका बैटरी पैक इतनी जल्दी ख़राब हो गया, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बैटरी पैक के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं और ये सारा डिपेंड करता है हमारे बैटरी पैक के सिलेक्शन पर। इसीलिए अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी के रेटिंग में ना जाए और जो नॉमिनल चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटी है उसके अगेन जितना कम हो चुके हैं यानी कि जितना बड़ा बैटरी पैक आप डिज़ाइन करेंगे आपके बजट आपके स्पेस और आपकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली जितने हायर साइड पे आप जाएंगे आपको उतनी चार्जिंग लाइफ ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं अपने इस वीडियो की कुछ हाइलाइट्स को समराइज करूँ तो सबसे पहले ये चीज़ निकल कर आती है कि जो मैक्सिमम चार्जिंग लाइफ दी जाती है किसी भी सेल की या फिर बैटरी पैक की वो बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली दी जाती है, जिसमें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और स्टैंडर्ड आपका चार्ज डिस्चार्ज रेट होता है। इसलिए एक्चुअल में जो आपको चार्जिंग लाइफ मिलती है वो आपकी इस मैक्सिमम क्लेम लाइफ से कम होती है, क्योंकि ना तो आप वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं ना ही उतना चार्ज डिस्चार्ज रेट मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों हमारे पास जो अपना ऑप्शन होता है जो कि हमारे हाथ में होता है जिसको कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो ये होता है कि हम लोग चार्जिंग जो कि पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जितना स्लो स्पीड का चार्जर यानी कि जितना कम एम्पियर का चार्जर हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतना हम लोगों के लिए बेटर होगा, जिससे कि हमारे जो बैटरी पैक की चार्जिंग लाइफ है वो हम लोगों को ज़्यादा मिलेगी और इफिशियंसी भी काफ़ी टाइम तक रिटेंड होगी। इसी के साथ साथ डिस्चार्ज की बात करें तो अगेन थोड़ा सा अगर हम लोग बड़ा बैटरी पैक बना लेते हैं जिससे कि हमारा जो डिस्चार्ज रेट है वो 0.5 के अंदर आ जाए तो भी हमारे बैटरी पैक की लाइफ को हमको एक्सटेंड करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी।